इंस्टाग्राम पर मुझे कई लोगों ने अपनी वेबसाइट्स भेजी और कहा कि मैं उनकी वेबसाइट का रिव्यू करूं, लेकिन जब मैंने उनकी वेबसाइट्स देखी तो उनके डिज़ाइन में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी उनके कंटेंट में थी। लोगों को पता ही नहीं है कि एक अच्छे कंटेंट का मतलब क्या है और लॉन्ग टर्म में उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। मान लीजिए आप एक ऐसे यानी निबंध प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए एक किताब खरीदते हैं। वो किताब देखने में बहुत ही सुंदर है, कोई भी उसको देखे तो ज़रूर खरीदना चाहेगा क्योंकि उसका कवर, पेजेस की क्वालिटी और फॉन्ट बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जब आप उस किताब को पढ़ते हैं तो उसमें ढेरों स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स और ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या आप ऐसी किताब से पढ़ना चाहेंगे? कभी भी नहीं। आप क्या कोई भी ऐसी किताब से कभी नहीं पढ़ना चाहेगा जिसमें हज़ारों गलतियाँ हों? क्योंकि जिस किताब में स्पेलिंग्स और ग्रामर जो एक बेस होता है किसी भी कॉन्टेंट का, एक अच्छे कॉन्टेंट का, जब वही गलत है तो कैसे कोई उसके कंटेंट पर भरोसा कर सकता है? ऐसी किताब को आप रद्दी वाले को बेचना ज़्यादा पसंद करोगे बजाय उसे अपने पास रखने के, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जो देखने में बिल्कुल सादा है लेकिन जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि उस किताब का हर एक शब्द आपके लिए कितना अनमोल है, उसमें लिखे हर एक वाक्य से आप कितना कुछ सीख रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में वो किताब कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और ऐसी किताब को कोई भी हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रखना चाहेगा। इससे क्या पता चलता है? किताब की सुंदरता से ज़्यादा उसमें क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी किताबें ही कीमती होती हैं। अब ज़रा सोचिए, एक ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है? ये भी तो एक किताब की तरह हुई ना। जिस तरह अलग अलग टॉपिक्स पर किताबें बाज़ार में मिलती हैं, कोई स्कूल में पढ़ाए जा रहे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, कोई कॉलेज में पढ़ाए जा रहे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स पर, तो कोई किस्से कहानियों पर, कोई इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पर, हज़ारों तरह की किताबें बाज़ार में होती हैं। और ये जो किताबों की इतनी किस्में हैं, इसे ही तो नीश कहते हैं। एक ब्लॉग वेबसाइट भी तो किताब जैसी है। कोई ट्रैवल नीश पर, कोई फूड एंड रेसिपीज़ पर, कोई हेल्थ पर, कोई फाइनेंस पर, कोई टेक पर। और इसीलिए जो सिद्धांत किताब पर लागू होते हैं वही एक ब्लॉग पर भी लागू होते हैं। ब्लॉग दिखने में सिंपल और सादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका कंटेंट सिंपल और सादा नहीं होना चाहिए। उसके कंटेंट में ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और बेकार सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। वरना जैसे बेकार किताब को कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, ऐसे ही खराब ब्लॉग पोस्ट को कोई रीड करना पसंद नहीं करता। इसलिए ब्लॉगिंग की आत्मा होस्टिंग नहीं है मेरे दोस्त, ब्लॉगिंग की आत्मा है कंटेंट राइटिंग। आपकी होस्टिंग कितनी भी फास्ट हो, लाइटनिंग स्पीड से आपका वेब पेज ओपन हो रहा हो, लेकिन अगर उस पर कंटेंट ही खराब है तो कोई भी रीडर आपकी वेबसाइट पर उतनी ही देर रुकेगा जितनी देर बड़े बड़े मंदिरों में जब लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं और पुजारी 2-3 सेकंड में ही बोलने लगता है, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। इसका क्या मतलब हुआ? ट्रैफिक तो बहुत आ रहा है लेकिन वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर रुक ही नहीं रहा क्योंकि कंटेंट ही अच्छा नहीं है। और दूसरी ओर अगर आपका कंटेंट अल्टीमेट है, भले आपकी होस्टिंग इतनी खराब है कि साइट खुलने में बहुत टाइम लगता है, तब भी यूजर आपके साइट पर आने की कोशिश करता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे सरकारी वेबसाइट्स खुलने में चाहे जितना टाइम ले, हम लोग रिफ्रेश करते रहते हैं और वेबसाइट ओपन होगी इसका इंतज़ार भी करते रहते हैं क्योंकि हमें पता है जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो वहाँ हमें हमारे फ़ायदे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ब्लॉग वेबसाइट के लिए स्पीड मैटर ही नहीं करती। मैटर करती है लेकिन कंटेंट से ज़्यादा नहीं। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, पेज साइज कम है और उस पर कंटेंट भी बहुत अच्छा है, तो सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट्स की रैंकिंग में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। इसलिए मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आपको वर्डप्रेस सीखने से भी पहले एक अच्छा कंटेंट क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं, ये सीखना चाहिए। और ये सीखने के लिए होस्टिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैसे? इसके लिए आपको वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना होस्टिंग के वर्डप्रेस पर कैसे कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग में इंफॉर्मेशनल कंटेंट के कौन से 4 टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप को लिखते कैसे हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। आई होप आपने आज के वीडियो से भी कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपने क्या सीखा और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर देना। जितना आप लाइक, शेयर और कमेंट करोगे उतनी तेज़ी से हम 10K के माइलस्टोन को अचीव कर पाएंगे और ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में एक अच्छे और सिर्फ एजुकेशनल चैनल के रूप में अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर पाएंगे।